हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का ब्लॉग है, क्या क्या है वो आपको वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा। तो बट आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम ब्लॉग में क्या क्या शेयर किए हैं। तो यहाँ पे हमने पालक पुदीना दोनों काट किया है। इसका मैं बनाऊंगी जूस। पालक मेरे प्लाट का इतना हिस्सा निकला था। और यहाँ पर लहसुन और मिर्च मैंने काटा है, इसका बनाऊंगी भिंडी की सब्जी, जो कि मैंने यहाँ पे कट करके रखा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो मैं केवल हम और श्रेया दो ही लोग का होगा, बेटे जी खाते नहीं हैं। और मैं यहाँ पे मूली जो है बहुत गंदी गंदी हो रखी थी, तो इसको मैंने साफ़ किया है। इसको मैं सोच रही हूँ मूली पराठा बनाने के लिए। और ये मूली जो है खाने लायक है, मैंने सब साफ़ कर दिया है। अमरूद रखा था, उसको मैंने कट कर दिया है। बिचवा वाली और मैंने यहाँ पे ये अमरूद कल कट किया था, तो श्रेया नहीं खाई। तो देखिए अभी जब कट करी तो कितना साफ साफ से है, और जब ये बाद में कट करी, कल का कट किया हुआ, तो कैसे लाल सा पड़ गया है। तो रखे थे कि श्रेया खा लेगी, नहीं खाई। तो इतना चीज़, और वहाँ पे जो तवा वगैरह वो करिए थोड़ा सूख जाए तो उसको हटा देंगे। जार है, वो जार सूख जाए ना, तो मैं इसको पालक को जो है ग्राइंड करूँगी। और वहाँ पे मैं सहजन की पत्ती रखी हूँ, तो आधी सहजन की पत्ती मैंने बॉयल कर लिया है और अभी आधी बची है, तो आधी मैं शाम को बॉयल करूँगी। तो इसको मैं निकाल लूँगी, पत्ती तोड़ के भगोने में रख दूँगी या कोई बर्तन में रख दूँगी। तो उससे क्या है, इसी में इसको ग्राइंड करूँगी ना, कोई भी खाली हो जाएगा तो उसी में हम रख देंगे। और भगवान जी को मैंने ऐसे ढक दिया था कि ठंडा लग रहा है। और अभी चल रही हूँ, नहाऊँगी तो फिर इनको स्नान कराऊँगी, फिर उसके बाद पूजा वगैरह करूँगी। तो अभी पूजा नहीं हुआ है, भगवान जी ऐसे ही बैठे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे मतलब अच्छा लगता है इस तरह से, कि जब आप बैठे रहो तो चीज़ों को साफ़ कर दो, लहसुन हो या फिर मतलब इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दिया। और ये देखिए, मुझे साफ़ सुथरा बहुत अच्छा लगता है कि साफ़ सफाई रखो। और फ्रिज हमारी गंदी हो रखी है, तो फ्रिज मैंने इसका निकाल दिया है। और ये सारी चीज़ें हमको, ये टमाटर धुल के मुझे फिर से रखना होगा आराम से, और दो पॉलिथीन में पड़ी हुई है। तो ये चीज़ें हैं, और मैं जा रही हूँ अभी झाड़ू लगाने। और झाड़ू लगा के फिर उसके बाद ये तब तक बर्तन वगैरह सूख जाएगा। आरओ भी चल गया है, तो मैं यहाँ पे ले आई हूँ बेसिंग पे, बेसिंग साफ़ करने के लिए हार्पिक। तो मैं सोच रही थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाए तो उसको कर लूँ। और कल क्या था, कल आरओ भरा नहीं था, तो बॉटल वगैरह बहुत सारी खाली हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने सारे बॉटल भरने हैं। ये पीहा तो जो है साथ में मतलब साड़ी में फंसा था, तो फिर आवाज़ कर रहा है। और मैं आ गई किचन में, तो आप देख लीजिए कि यहाँ 5 बॉटल रखी है, एक आध कमरे में रखी होगी। ये फ्रिज वाला जो है इसको मुझे धुलना है, ज़्यादा काम नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। और मैं सोच रही सब्ज़ी में छौंक लगा दूँ, तब तक मैं झाड़ू लगाती रहूँगी और सब्ज़ी जो है पक जाएगी।
इसका कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। और अगर ताजी ताजी रहती है तो इसकी बात अलग होती है। लहसुन डाल दिया है और भिंडी के साथ तो पकना ही है, भूनना तो है ही, तो बहुत देर तक इसको हम लहसुन को पकाएंगे नहीं क्योंकि मुझे आने लगती है छींक। और मैं इसको भून के रख दूंगी, तब तक ये अपना काम करता रहेगा और फिर मैं अपना काम करती रहूंगी, घर से झाड़ू वाला काम है। यहाँ पे छोटा सा जो पलटा है इसको निकाल, तो ये देखिए सब्जी को अच्छे से बराबर से पलट देंगे, उसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, उस अदाक मई सब्जी भी तैयार हो जाएगी। और फिर मुझे एक काम और जरूरी करना है, वो भी मैं ख़त्म जो है मैं अलग करके रख दूंगी इसको। रात में हम मतलब रात में क्या, शाम को इसको पानी गर्म करके पी लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी मुलायम हो जाता है, ताज़ा ताज़ा रहता है तो बहुत ही अच्छा खिलता है। और अगर इसको थोड़ा सा भी वो मिल जाए धूप, मतलब थोड़ी सी वो भी गर्मी मिल जाए तो बहुत जल्दी से एक एक पत्ती करके टूटता है। और इस सबसे बड़ी बात इसकी खासियत क्या है, ये देखिए ये जहाँ से गांठ है इसको अगर आप तोड़ते हो तो बड़े आराम से टूट जाता है। मैंने एक हाथ से मोबाइल लिया, देखिए टूट गया। और इसी तरह से, और ये आप सोच रहे हो कि इसको क्या करोगे, तो ये जो गांठ है आप देख रहे हैं ना, जो ये टहनी है, तो इसको हमें पानी जो बॉयल करना है तो इसी को साथ में उबाल लेना। तो ये काम मेरा ये फाइनल हो गया है। यहाँ पर ज्योति बर्तन वगैरह भगवान जी का भी धुल देती है। और ये जार का मुझे ज़रूरत है क्योंकि मैं इसको ग्राइंड करने वाली हूँ पालक, तो इसको सुखाने के लिए पहले हम जार को रख दूँ। एक बार हुआ क्या कि मैं ऐसे जार को रखी और भीगा हुआ था और मैं ले के गई, आरो भी मैंने चला दिया है, जोर का झटका मारा करंट ने, तो फिर मैं क्या ही कहूँ। और वैसे भी मैं ग्राइंड करते हुए बहुत डरती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे जैसे एक दो बार बहुत तेज आवाज़ अजीब से किया फिर उसके बाद मुझे बहुत डर लगता है। तो बीच बीच में जैसे डर ख़त्म होता है वैसे ही मिक्सर मेरा जो है एक बार मुझे डरा ही देता है। यहाँ पे हमने सब्जी जो है छौंका था और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँ ताकि ये पकता रहे। और अगर वैसे सब्जी भिंडी की सब्जी है और कोई गर्मा गर्म रोटी बना के दे रहा है तो मज़ा आ जाती है यार, तब तो फिर कहना ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए मतलब थोड़ा सा काम था, आपने ब्रश मार दिया, ये जो स्टोरेज है वो सही हो गया, मतलब धुल गया। और अभी इसको लगे हाथ में यहीं पे रख दूंगी क्योंकि काम सब थोड़े थोड़े रहते हैं बट ज़्यादा बन जाता है। और सारी बॉटलें मैं धुलने वाली हूँ तो अभी नहीं धुलूंगी, तब तक आरो भी भर जाएगा और फिर उसके बाद मैं भी बाकी काम ख़त्म करके आऊँगी तब इसको धुलूंगी। मैं बता रही थी ना कि अंदर भी दो बॉटल हैं तो टोटली यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ कितनी सारे बॉटलें हैं। बॉटल से पहले मैं सब्जी को चेक कर लूँ, हाई फ्लेम है तो भिंडी को थोड़ा सा लग भी रही है। सिंग पे बॉटल मैंने रखा है, इसमें निरमा पाउडर डाल के इसको मैं धुलने वाली हूँ। अगर आप तांबे के बर्तन में पानी नहीं रखते हो, नहीं पीते हो तो एक बार रखना स्टार्ट कर दो। तांबे के बर्तन में पानी कहते हैं बहुत ही अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए, तो मैं भी यहाँ पर तांबे के लोटे में पानी भर देती हूँ और इसी पानी को पीती हूँ। और मैं जब बॉटल के पानी पी लेती हूँ ना तो मुझे अजीब सा लगता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे बॉटल का महक आ रहा हो उसमें, इस तरह से मुझे लगता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अगर आपकी किचन छोटा है तो इस तरीकों को ज़रूर अपनाइएगा। यहाँ पर देख लीजिए मैंने रखा है क्या, नीचे दूध का भगोना है और यहाँ पे चावल है, इस कुकर में मैंने दाल रखा है,
तो आप मेरे कुकर को देख के समझ जाएंगे कि मैंने दाल बनाया है। और यहाँ पर आप देखिए जब निकाल रही थी तब पता चल रहा है, बाकी मेरे कुकर में पता नहीं चल रहा है कि अगर ये छींटे ना पड़े होते जब मैं खाना निकाल रही थी बेटे जी के, तो ये छींटे पड़ गए थे। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए कल पलटा है, कलछुल है, भिंडी की पलटा है, तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि मेरा चावल भी पका है, तो पता नहीं चलता है कि हाँ मैंने दाल या चावल कुछ भी, आप कुकर के जब तक खोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा इसमें क्या बना है। तो ये तरीके से आप बना सकते हो, बहुत ही आराम मिलेगा आपको बर्तन धुलने में, आप परेशान नहीं होगे बर्तन धुलने में, बता रही हूँ। एक बार आप ये इस तरीके से अगर करना शुरू कर दोगे ना, तो फिर आपको ये कभी नहीं लगेगा कि हाँ मैं बर्तन धुलने में प्रॉब्लम हो रही, बिल्कुल नहीं होगी। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैं सब्जी भी चला रही हूँ और आपसे बातें भी कर रही हूँ, तो एक बार इस तरीके को आप ज़रूर अपनाइएगा। तो ये काम मेरा हो गया है यहाँ पे, और मैं इसको थोड़ा सा छोड़ दूँगी और मैं चल के झाड़ू ले आती हूँ, पहले झाड़ू वाला काम करूँगी। तो किचन से नहीं, आगे कमरे से स्टार्ट करना है, लेकिन आगे कमरे से स्टार्ट करती हूँ तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि मेरी सब्जी जो है जलने लगेगी। ये झाड़ू जी कहाँ से छुपे बैठे हैं, ये मिल गए, बिल्कुल परफेक्ट पक चुकी है और गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया। आ गए हैं कचरा निकालो जी, तो चलो कचरा निकाल देते हैं। मैं वहाँ पॉलीथीन में इकट्ठा करके रखी हूँ। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और कचरा वाले भैया आ गए हैं, कचरा डाल देती हूँ पहले, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक यू।